नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होंगे, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा शुभ दिन, शुभ रंग और शुभ अंक, जिसका पालन कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध देव, और सितंबर के महीने में ये द्वादश भाव में चलने वाले हैं, जिसे आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति से अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में सितंबर के महीने में आपको अपने खान पीन का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अन्यथा कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया, दांतों से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है, और किसी प्रकार की समस्या देखने को मिले ना मिले, स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे जरूर से आपके लिए एक्टिवेट हो सकते हैं। ऐसे में अपने खान पीन का ध्यान रखना सितंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति के आधार पर आवश्यक रहेगा। दूसरी स्थिति में सुख को बताया गया है धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी शुक्र महाराज आय भाव में और डिजायर्स भाव में बने हुए हैं, तो ये स्थिति क्या संकेत दे रही है, धन से कन्या राशि वाले जातक पूरे सितंबर के महीने में पूर्ण रूप से पुष्ट रहने वाले हैं। जी हाँ, सितंबर के महीने में धन से संबंधित आपके कोई भी कार्य नहीं रुकेंगे। धन से संबंधित स्थितियों में आपकी कोई भी मनोकामना हो कि इतना धन अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा ये बड़ा कार्य पूर्ण हो जाएगा, वो डिजायर्स आपके शुक्र महाराज सितंबर के महीने में पूर्ण अवश्य रूप से करते हुए पाए जाएंगे। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं बुध देव और जाकर विराजित हुए हैं द्वादश भाव में। यहाँ पर विशेष रूप से बुध महाराज उन लोगों को अधिक लाभ देते हुए पाए जाएंगे जो या तो विदेश में रह रहे हैं, विदेश संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कोई ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहां पर आपकी कंपनी ही विदेश से कनेक्टिविटी वाली बनी हुई हो, उनको कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देखने को सितंबर के महीने में अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी भी शुक्र महाराज होते हैं और भाग्येश होकर ये एकादश भाव में संचरण करेंगे। ये अपने आप में आपके लिए बेहद सुंदर गतिविधि है कि भाग्य के माध्यम से आप आय में वृद्धि कर लें, भाग्य के माध्यम से आप अपने मनोरथों को पूर्ण कर लें, और मनोरथों को पूर्ण करने के लिए कौन आपका साथ देगा, तो धन की स्थितियां आपका देगी परिपूर्णता से साथ। भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति में आपके लिए सितंबर का महीना बेहद खास रहने वाला है। बात करें यदि विद्या स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी होते हैं शनि महाराज, वर्तमान में षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, किंतु 15 अगस्त से ये युवा अवस्था में प्राप्त होकर एक्टिवेट हो गए हैं और आपको पंचम भाव का फल देंगे। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके लिए बहुत अच्छी अवस्था बनाई जाएगी जो आपको सफलता की एक नई शिखर का योग प्रदान कर दे। तो एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर फोकस बनाकर रखिएगा, निश्चित रूप से आपको बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके द्वादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज 17 सितंबर तक द्वादश भाव में ही रहेंगे। इस स्थिति के आधार पर यदि आप व्यापारिक यात्राएं करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा 1 सितंबर से 17 सितंबर के मध्य कीजिए, निश्चित रूप से बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके लग्नेश भी द्वादश भाव में बने हुए हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको श्रेष्ठ सफलता का योग और उसमें शुक्र महाराज भाग्य का साथ जोड़ते हुए बड़े अच्छे लाभ देंगे। 17 सितंबर के बाद में आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा तो कर सकते हैं, किंतु व्यापारिक यात्रा पर फोकस बनाकर रखिएगा, 17 सितंबर से पहले श्रेष्ठ अवस्था का योग बनकर आएगा।
बात करें यदि आपके दाम्पत्य जीवन की स्थिति की, तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर सकता है। दाम्पत्य जीवन में ससुराल पक्ष को लेकर किसी प्रकार के मतभेद जैसी स्थिति को अंडरस्टैंडिंग स्वरूप के अंदर एक्टिवेशन दे सकता है। दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो पूर्ण रूप से अपनी तरफ से प्रयास कीजिएगा कि ऐसे कार्य, ऐसी स्थितियां जिसे इग्नोर किया जा सकता है उसे इग्नोर किया जाए, अन्यथा ये अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर घर का माहौल बिगाड़ने में पूर्ण रूप से अवस्था को एक्टिवेट करता है। अपनी तरफ से सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो सितंबर का महीना, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्र गति के अंदर युवावस्था को प्राप्त कर रहे हैं, तो पिछले समय में जो अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड रिलेशनशिप में देखने को मिली थी वो अब पुनः से सुधरती हुई पाई जाएगी। अब जानिए शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिन, जिसका विशेष रूप से पालन कर आप बना सकते हैं सितंबर के महीने को यादगार। कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, कोई बड़ा डिसीजन लेना है जो आपको फाइनेंस दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है, तो पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा शुक्रवार के दिन। अगर आप कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, बड़े डिसीजन लेना चाह रहे हैं, शुक्रवार का दिन आपके लिए एक लकी चार्म की तरह सिद्ध होता हुआ पाया जाएगा। अंक की यदि हम बात करें तो 2 और 7, चाहे मूलांक में टोटल में आ रहा हो चाहे सिंगल डिजिट में आ रहा हो, इन 2 अंकों का पालन कर आपके लिए बेहद लकी अवस्था के अंदर ये 2 अंक आपके लिए सितंबर में कार्य करते हुए पाए जाएंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो सफेद और हरे रंग का पालन कर आप बना सकते हैं अपने आसपास के ऑरे को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं सितंबर के महीने में। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा व्हाइट और ग्रीन का यूज करेंगे उतने श्रेष्ठ कारक स्थिति में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। अब आपने देखा सितंबर के महीने में परिपूर्णता से एक ग्रह है जो आपको हर तरीके से दे रहा है बैलेंसिंग, और वो है शुक्र महाराज। इनका हाथ थाम लीजिए, ये सितंबर के महीने में करा देंगे आपकी नैया पार। ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति आपके लिए बनती हो इसे निरंतर रूप में पूरे सितंबर के महीने में कीजिए। धन की स्थितियों को बड़ा मजबूत कर देंगे, आय की स्थितियों को बड़ा मजबूत कर देंगे, मनोरथों को पूर्ण करने की स्थिति को बड़ा मजबूत कर देंगे, और इन सब गतिविधियों में देगा भाग्य आपका साथ। शुक्र महाराज को हाथ पकड़कर आगे चलिए, निश्चित रूप से मिलेगी आपको सितंबर के महीने में सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।